हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे मोमोज, मटर मोमोज। ये बहुत ही यम्मी रेसिपी है, सो प्लीज़ कीप वॉच एंड ट्राई। सबसे पहले हम ले लेंगे 2 कटोरे बड़े मैदा। उसमें ऐड करेंगे हम नमक 1 टेबल स्पून, 1 टेबल स्पून खाने का तेल। उसके बाद हम इन सबको अच्छे से मिला लेंगे। अच्छे से मिलाने के बाद हम इसे आटे की तरह गूंथ लेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए, कुछ इस तरह से। ये देखिए, अब हम इसे इस डो को 20 मिनट तक के लिए रेस्ट पर छोड़ देंगे। तब तक के हम इसका मसाला तैयार कर लेते हैं मोमोज का। सबसे पहले मैंने यहाँ पे 250 ग्राम उबले हुए कीमा का गोश्त ले लिया है, और उसमें हम ऐड करेंगे 1 कटोरा बारीक कटा हुआ प्याज, 1 चम्मच बारीक कटा हुआ लहसुन और अदरक, 1 चम्मच कैप्सिकम यानी शिमला मिर्च, 1 चम्मच कड़ी पत्ता और 1 चम्मच हरी मिर्च, या अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा, और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक 1 चम्मच मैंने लिया है, सोया सॉस 2 बूंद। इन सभी को अच्छे से मिला लेंगे। तो ये हमारा तैयार हो चुका है हमारा मोमोज मसाला। अब हम देखते हैं हमारा आटा। ये देखिए, हमारा डो एकदम बढ़िया से सेट हो चुका है। अब हम इसे छोटे छोटे बॉल्स में अलग अलग कट कर लेंगे और उन्हें पूड़ी की तरह गोल पतला रोटी नुमा बोल बेल लेंगे, छोटे छोटे, कुछ इस तरह से। ये देखिए, अब हम इसमें हमारा मटन मसाला ऐड करके इसे पैक करेंगे। पैक करने के बाद के लिए सबसे पहले हम चुटकियों से रोटी को पकड़ते जाएंगे और एक दूसरे से मिलाकर इस तरह से चिपकाते जाएंगे। इसी तरह हम आधा पूरा आधा चिपका लेंगे इस तरह से, चुटकियों से दबा दबा के। जो बचा हुआ है उसे इस तरह से लाकर पैक कर देंगे। हमारा मोमोज पैक हो चुका है। ये देखिए, सुंदर सा हमारा मोमोज तैयार हो चुका है। तो अब चलते हैं हम गैस की ओर। सभी मोमोज इस तरह बना के रख लेते हैं। सबसे पहले हम मैंने यहाँ पे इडली मेकर लिया है, उसमें पानी खौलने के लिए रख दिया है, उसमें हमने रख दिया है सांचा, और उबलने के लिए हम इसे ढककर 10 मिनट से 12 मिनट तक छोड़ देंगे। उसके बाद हम चेक कर लेंगे, हमारे मोमोज तैयार हो चुके हैं। तो चलिए अब हम इसे सर्व करते हैं मोमोज प्लस शेजवान चटनी के लिए के साथ। चलिए अब हम शेजवान चटनी का रेसिपी भी देख लेते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे 1 बड़ा चम्मच, 1 बड़ा कटोरी लाल मिर्च ले लिया है सूखा। उन्हें गर्म पानी में आधा घंटा भिगो दिया है। उसके बाद हम इसे छानकर इस तरह से फाइन पेस्ट बना लेंगे। और अब हम इसे पैन में थोड़ा सा तेल डालेंगे, आधा कटोरी लहसुन कटा हुआ, आधा कटोरी अदरक बारीक कटा हुआ, और जो हमने मिर्च को पीस कर तैयार किया है उसे भी ऐड करके अच्छे से मिला लेंगे। और साथ ही हम ऐड कर देंगे इसमें काली मिर्च पाउडर और थोड़ा सा ज़ीरा। यह ऑप्शनल है, अगर आप ज़ीरा चाहें तो ऐड करें, ना चाहें तो ना ऐड करें। हम इसे 2 से 3 मिनट तक पका लेंगे। अब इसमें हम ऐड करेंगे 1 चम्मच नमक, 2 चम्मच शक्कर, 1 चम्मच विनेगर, 1 कटोरा टमेटो सॉस और आधा चम्मच सोया सॉस। मैं यहाँ पे बड़ी क्वांटिटी में, ज़्यादा क्वांटिटी में बना रही हूँ। आप कम क्वांटिटी में बनाएं तो आप कम चीज़ों का इस्तेमाल करें।